यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि रूस के खिलाफ उनके देश का लंबे समय से प्रत्याशित जवाबी हमला शुरू हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने शनिवार को कहा, जवाबी कार्रवाई और रचनात्मक कार्रवाई हो रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हालांकि कहा कि वो इस बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे कि जवाबी हमला किस चरण या स्थिति में था। बीबीसी ने बताया कि यह टिप्पणी यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व में लड़ाई बढ़ते और व्यापक रूप से प्रत्याशी धक्का की प्रगति के बारे में अटकलों के बाद आई है। कहा जाता है कि यूक्रेनी सैनिक पूर्व में बखमुत और दक्षिण में ज़ापोरिजिया के पास आगे बढ़े हैं और रूसी ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लेकिन मोर्चे पर वास्तविकता का आकलन करना मुश्किल है। दो युद्धरत पक्ष विपरीत बयान पेश कर रहे हैं। यूक्रेन आगे बढ़ने का दावा कर रहा है और रूस हमलों का जवाब देने की तैयारी में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रकाशित एक वीडियो इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेनी बलों के निश्चित रूप से अपना आक्रमण शुरू कर दिया था, लेकिन भारी हताहतों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास विफल रहा। क्यू के कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत के बाद जेलेंस्की ने रूसी नेता के शब्दों को दिलचस्प बताया। अपने कंधों को उचकाते हुए, अपनी भौं ऊपर उठाते हुए और पुतिन को न जानने का नाटक करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि रूस को लगता है कि उसके पास अब लंबा समय नहीं बचा है। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के सैन्य कमांडर सकारात्मक मूड में थे। उन्होंने कहा कि पुतिन को बताओ, वही टूडरो को अघोषित यात्रा के दौरान यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता के में 500 मिलियन कनाडी डॉलर की घोषणा की।